آپ کی رضا میں راضی ہیں. تھوڑا سا بڑھ دیتا ہوں, اگر ذوق بن گیا تو جس طرح آپ کہیں گے, اگر ذوق بن گیا تو تھوڑا سا پڑھ لیں گے, نہیں تو انشاءاللہ دعا کریں گے. میں آواز کرتا ہوں, میرا ایک مزاج ہے بہت عرصے سے, مجھے 11 سال ہے نعتخوانی کرتے ہوئے, تو میں ایک مزاج ہے میرا, میں جب بھی کلام پڑھتا ہوں تو میں درود پاک سے آغاز کرتا ہوں, چونکہ درود پاک سے محفل معطر ہو جاتی ہے. تو آئیے ذرا مل کر رات کے اس پہر میں, اب جہاں اتنی رات گزر گئی وہاں اگر تھوڑی سی رات اور گزر گئی تو کچھ نہیں ہوگا, یہ گھڑیاں ہم سب کے لیے باعث برکت بن جائیں گی, اور آخرت میں ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ گھڑیاں کتنی قیمتی تھی, اور پھر ہم سوچیں گے کاش یار 12:30 جو بچے ہی سی وہ 2 بھی بچ جاتے تھے خیر سے, لیکن میں 2 تو نہیں بجانے, 12 مختصر ہو گئے. انشاءاللہ محبتوں کے ساتھ کوئی بھی زبان خالی نہ رہے, میرے آقا کے جتنے دیوانے اب آ تو گئے ہیں, بیٹھے تو ہوئے ہیں, تو کیوں نہ اپنے اپنا نام ان لوگوں میں شامل کروا کے جائیں کہ جن لوگوں کے لیے اللہ پاک اپنی رحمتوں اور برکتوں کے فیصلے فرما دے. تو آئیے پوری محبت سے, کوئی زبان خالی نہ ہو, محبت سے شامل ہو جائیے گا. اللهم صل على سيدنا محمد Oh,
जो कहते हैं कि पढ़े वो कहते रहो सुभान अल्लाह, जिन कहते हैं कि दुआ कर दी उधर टिल्ला कर वो सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। बारह दी खैर, बारह अंदर होंदा मैं फिर उदी गल बन जाना ओदी बार तू ना काम आ रही है। ठीक है, अल्लाह ने आपके मोहब्बत को सलामत रखे। आप माशाल्लाह माहौल जो मैं चाहता था वो गया है बंद, माहौल बन गया है। हुण तुसी हो ते मैं वा, ठीक है। हुण जे तुसी मैनूं कह रहे हो दो बजाने, आप दो भी बजा देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है। क्योंकि जिक्र नबी का है ना जी, यहाँ तो सारी रात भी गुजर जाए तो सौदा महंगा नहीं है। लेकिन दो खैर नहीं बजाने, थोड़ा जब मैं कलाम पढ़ा नाना साथ पढ़ लो, दो नाना भी आओ फिर जाके सो जाएंगे, नमाज जानती नहीं। नमाज पढ़ेंगे सारे इंशाल्लाह। मैंने भी अभी सफर करना है, मैंने सीधा दीपालपुर जाना है, ओकाड़ा से भी आगे मेरे लिए आप दुआ भी फरमाइएगा। पता नहीं बुढ़ापा तो फजर तो बाद ही पहुंचना होते। बहरहाल मैं पढ़ रहा हूँ, पूरी मोहब्बत से शामिल हो जाना, कोई जुबान खाली ना हो। दुरूद पाक मैंने पढ़ लिया और इसके बाद ये महफिल मुअत्तर हो गई। और सबसे पहले हमारा अकीदा है तौहीद। क्या अकीदा है? तौहीद। मेरे अकाबिर और मेरे बुजुर्गों ने और मेरे असलाफ ने तो तरतीब दी है ना, इंशाल्लाह तरतीब से हटूंगा नहीं, भले एक एक शेर पढ़ के चलूं चलूंगा मैं तरतीब से इंशाल्लाह। लेकिन बहुत जल्द मैंने कलाम खत्म करना है, तुसी मिनटा च देखना है कलाम मेरा होगा। ठीक है, हमदे बारी ताला के चंद इशार। मेरा और आपका अकीदा है कि हम सब का खालिक और मालिक कौन है, हम सब का दाता कौन है। अरे यूं नहीं हाथ का इशारा करके बताओ ना, हम सब का खालिक और मालिक कौन, हम सब का दाता कौन, ये दिन और रात बनाने वाला कौन, हम सबको पैदा करने वाला कौन, हमें बेटे और बेटियां देने वाला कौन, हमारी आरज़ुओं को सुनने वाला कौन। सिर्फ अल्लाह, सिर्फ अल्लाह। पूरी मोहब्बत से ये कबूलियत की घड़ियां हैं, ये कबूलियत की घड़ियां हैं। अल्लाह पाक पहले आसमान पे है और सुन रहा है, जो जो इरादे भर रहे हैं मांग रहे हैं अल्लाह पाक उनकी झोली में आज भर देगा इंशाल्लाह। पूरी मोहब्बत से शामिल होना है मेरे सौड़ वाले भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरी दुआएं आपके लिए, अल्लाह पाक आपके दरबार में बरकतें अता फरमाए। लिखते हैं शायर लियाकत फारूकी साहब का लिखा हुआ कलाम है, चंद शेर पढ़ रहा हूँ। दिन बढ़ाया रात बढ़ाई अल्लाह ने, I'm not afraid of the dark.
वारसी को सिर्फ वही बंदा जानता है जिसका ताल्लुक अदब से है, ठीक है। मुजफ्फर वारसी बहुत बड़ा नाम है, बहुत ही बड़ा नाम है। मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ, पूरी मोहब्बत से संभालिएगा। रात में 2-1 बजने वाला है और सिर्फ 4 मिनट बाकी है 1 बजने में, लेकिन ज़हीर फारूकी सुना रहा है मुजफ्फर वारसी की लिखी हुई बात, और सुनने वाले दीवाने इस मोहब्बत से बैठे हैं कि आज तू सुनाता जा, हम तो सुनने आए हैं। तो जो करना लिखते हैं मुजफ्फर वारसी साहब, जरा आपने शेर में डूबना है, डूबना जरा होता सर होना। क्या लिखा मुजफ्फर वारसी ने, जी।
समझाने के लिए, अगर हीला में, हीला जैसे शहर में और हीला जैसे उयूर सुन्नी मुसलमान मेरे सामने बैठे हैं, अगर इनको भी मुझे ये जुमला समझाना पड़ा तो मैं परेशान हो जाऊंगा, लेकिन मुझे पता है ये बड़े मजबूत सुन्नी हैं, मेरा जुमला ऐसे उचक लेंगे। इतनी मोहब्बत से, पूरी मोहब्बत दे रहा हूँ, पूरी मोहब्बत से मैं पढ़ रहा हूँ, आपने पूरी मोहब्बत देनी है। ये जुमला सुन के मेरे आका की हदीस का मफहूम है, शायद लिखा है, लिखते हैं शायद, मैं हज चले دوست
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ